में क्लोज टू 100% आप लोग कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हो। हर बिजनेस के कोई रूल्स हैं, देयर रूल्स ऑफ द लैंड, यू हैव सम कंप्लायंसेस, सरकार बनाता है, एंड एज अ बिजनेसमैन, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, यू हैव टू कंप्लाई विद दोस रूल्स। अब आप बचपन से ले लो सर, झूठ नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, फर्क नहीं करनी है, वहां से लेकर के लॉज ऑफ द लैंड तक जितने रूल है, जितने वैल्यूज है, जितने प्रिंसिपल्स हैं, उनका आप पालन करोगे, देन यू आर वॉकिंग दी स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रेट लाइन पे चलोगे, फिर मेरे से लिख के ले लीजिए, आप बड़े बेच के सोगे हर रात। यू विल बी वेल्दी एंड यू विल बी वाइज, बट स्ट्रेट लाइन पे चलना जरूरी है। अभी आमतौर पर किसी बिजनेस ऑडियंस में मेरे से पूछा जाता है कि साहब यार स्ट्रेट लाइन तो बहुत मुश्किल है, हाउ कैन यू वॉक ऑन द एज ऑफ अ नाइफ। आपके पास अगर हैंड हेल्ड डिवाइस है, आपके पास कोई कागज और पेन है, तो आप लाइन खींच दीजिए और उस लाइन को 50 गुना एक्सपेंड कर दीजिए, आपको लाइन नहीं नजर आएगा, आपको नजर आएगा एक बैंड। विद इन दैट बैंड विल बी लार्ज नंबर ऑफ डॉट्स, ऐसे बनता है लाइन। अब उसको एक्सपेंड करिए, वो बैंड है आपको चलने के लिए इतना बड़ा। इसके अंदर आप यहां भी चल सकते हो, इट इज स्ट्रेट लाइन, यहां भी चल सकते हो, इट इज स्ट्रेट लाइन, 6 महीने इधर चलो स्ट्रेट लाइन, 6 महीने इधर चलो स्ट्रेट लाइन, बट जिस दिन आप इधर जाओगे, आप स्ट्रेट लाइन से हटोगे। इतना याद रखना साहब, जब आप स्ट्रेट लाइन से हटते हो तो आपके टीम का हर सदस्य भी यही समझेगा कि मैं भी स्ट्रेट लाइन से हट सकता हूं। That is where the problem will start happening. So that is the magic of straight lines. और साहब क्योंकि आपने टॉपिक मांगा था एक सब्जेक्ट लेक्चर का, तो ये कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है।